ये माड़िया जनजाति है, पूरा जंगल आधारित समाज है, जंगल पर उनका निर्भर है। उनका सब्जी से लेकर सभी चीज़ें, लकड़ी से लेकर तेंदुपत्ता हो, रोजगार है, खान पान, और इससे और आगे इनकी संस्कृति भी जंगल से जुड़ी है। जंगल, पहाड़ी, नदी, नाले, ये सब चीज़ों को ये लोग पूजते हैं। ऐसे सिचुएशन में सुरजागढ़ जो जगह है, सुरजागढ़ में माइनिंग का माइनिंग शुरू हो गए हैं, तो लोग बहुत ही परेशान है, चिंतित है। यहाँ की जनता भी पूरा लोकतांत्रिक पद्धति से इसका विरोध कर रहा है। उन बहुत सारे लोगों ने, गांव-गांव के लोगों ने, ग्राम सभाओं ने निवेदन दिया है, ठहराव लेके दे दिया है, राज्यपाल को दे दिया है, राष्ट्रपति को दे दिया है, कलेक्टर को दे दिया है। तो ये सुरजागढ़ के मुद्दा से जो लोग इसमें इन्वॉल्व होके ग्राम सभा के माध्यम से इसको पूरा विरोध कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं सिस्टम। तो मेरे जैसे एक एक्टिविस्ट है, जो लॉयर है, उसके ऊपर भी ये नक्सली है या फिर नक्सल सिंपथाइजर है, इस तरह से सिस्टम या पुलिस वहाँ के देख रहे हैं। एक बार पुलिस एक गांव में वैसे ग्राम सभा ले रहा था एटापल्ली के क्षेत्र में, तो वहाँ से उठा के ले गए थे। हम पहले से ही लोकतांत्रिक माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं, और अभी हम लोग चुनाव जो एक नया तरीका से यहाँ पे चुन के आए हैं, तो हम लोगों ने इसका ये एक प्रयोग किया है कि हमको अगर, हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि बाहर से चिल्लाते हैं, सिस्टम में न जाते हुए अपने मुद्दों को रेज करने के लिए किसी के पास देते हैं, बोलते हैं, मोर्चा निकालते हैं, लेकिन हम खुद वहाँ उस सिस्टम में जाना चाहिए। ऐसा हमें लगा इस बार कि सुरजागढ़ का मुद्दा है, ग्राम सभा या फिर पैसा कानून है, उसकी सही तरह से अमल होना चाहिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट का सही तरह से अमल होना चाहिए, ये जो सिस्टम के ओर से या पुलिस फोर्सेस के ओर से जो दमन हो रहा है वो न होना चाहिए, इस तरह से हम लोग सिस्टम में जाकर बोलना चाहिए। और सिस्टम में ये चांस है, मतलब ये एक जगह है, इसको हम लोग एक अच्छा तरह से अपनी बात रख सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अभी जो जिला पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं उसमें लोगों के तरफ से हम लोग खुद एक ऐसा एक फॉर्म निकाले थे कि जनतेचा उम्मीदवार, जिसको हम लोग मराठी में कहते हैं, तो लोगों की ओर से कोई आदमी खड़ा रहे।